प्रोफेसर एमबीएसटी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट सेकेंड एमबीएसटी सेकेंड एक पोस्ट अकाउंटिंग पेपर के अंतर्गत ऊपरी व्यवहार का अत्यावशोषण एवं न्यून अवशोषण के कारण के टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूँ। रीजन्स ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवर हेड्स। ऊपरी व्यवहार का अत्यावशोषण एवं न्यून अवशोषण किन कारणों से होता है? उसमें नंबर एक कारण है कि जब पूर्ण किए गए कार्य की मात्रा प्रत्याशित मात्रा से बहुत कम या अधिक हो, हम जो अनुमानित मात्रा के अनुसार लागत विवरण बनाते हैं, एस्टिमेटेड क्वांटिटी के हिसाब से जो लागत विवरण बनाते हैं, उस एस्टिमेटेड क्वांटिटी से जब उत्पादन की मात्रा या पूर्ण किए गए कार्य की मात्रा बहुत ज़्यादा उत्पादित हो जाती है या बहुत कम उत्पादित होती है, तो प्रति इकाई जब हम ऊपरी व्यय चार्ज करते हैं तो उसके हिसाब से कम उत्पादन पर कम ऊपरी व्यय चार्ज हो पाते हैं और अधिक उत्पादन पर अधिक ऊपरी व्यय चार्ज हो जाते हैं। इस कारण से ऊपरी व्यय अवशोषित होने के कारण अत्यावशोषण हो जाता है और कम ऊपरी व्यय अवशोषित होने के कारण न्यूनावशोषण हो जाता है। दूसरा कारण है कि जब वास्तविक व्यय की राशि अनुमानित व्यय से बहुत कम या अधिक हो, हमने अनुमानित स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में अनुमानित लागत विवरण में व्ययों का अनुमान लगाया था कि कारखाना ऊपरी व्यय के अमुक अमुक व्ययों में इतनी इतनी राशि खर्च होगी, फिर किसी कारण से महंगाई बढ़ने के कारण या कुछ असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न होने के कारण या फिर किसी नए अनुबंध के कारण विभिन्न कारणों से जब वास्तविक व्यय की राशि बढ़ जाती है कि हमें कोई किराया ज़्यादा देना पड़ जाए या हमें ब्याज ज़्यादा देना पड़ जाए या सैलरी ज़्यादा देना पड़ जाए, उस कारण से जब वास्तविक व्यय की राशि बढ़ जाती है तो उससे भी ऊपरी व्ययों का अत्यावशोषण हो जाता है, अधिक मात्रा में चार्ज हो जाते हैं। और यदि कम खर्च हुआ है तो उससे हमें न्यूनावशोषण हो जाता है, तो ये भी एक कारण बनता है। और तीसरा कारण है व्ययों के वितरण की रीति अनुपयुक्त होने के कारण व्ययों का न्यूनावशोषण या अत्यावशोषण हो सकता है। तो हमारे ऊपरी व्यय के जो वितरण की रीति है कि हम उसको किसके आधार पर बांटेंगे, अनुभाजन किस आधार पर करेंगे, विभिन्न विभागों में विभाजन या वितरण किस हिसाब से करेंगे, विभिन्न विभागों के उत्पादन विभागों और सेवा विभागों में किस किस अनुपात में वितरण करेंगे, तो जब वितरण की जो रीति हमने तय की है और अचानक हमें कोई एक नया सर्विस डिपार्टमेंट खोलना पड़ गया या और अन्य कोई दूसरा कारण उपस्थित हो गया जिसके कारण यदि अनुभाजन या वितरण की रीति में हमने परिवर्तन कर दिया है तो उससे भी व्ययों का अत्यावशोषण या न्यूनावशोषण हो जाता है, नए ऊपरी व्यय हमें देखने को मिल जाते हैं, तो ये भी एक कारण बनता है। फिर अगला कारण और अंतिम कारण है विभिन्न प्रकार के कार्यों के अनुपात में परिवर्तन होने के कारण भी व्ययों का न्यूनावशोषण व अत्यावशोषण हो सकता है। तो हम विभिन्न प्रकार के जो कार्य करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, विभिन्न प्रकार के उत्पादन कार्य करते हैं, तो हर एक उत्पादन किस किस अनुपात में करेंगे उसका हमने अनुपात तय कर रखा है और उसके ऊपर किस किस मात्रा में या किस किस दर से ऊपरी व्यय चार्ज करेंगे। और जैसे ही जिस किसी उत्पादन के ऊपर यानी कि तीन तरह के प्रोडक्ट ए बी सी हम उसको 40-30-30 के अनुपात में उत्पादित करेंगे, अब उसके ऊपर 1-1-2 के अनुपात में हमें ऊपरी व्यय लगाने हैं, 1 रुपये पर यूनिट, 1 रुपये पर यूनिट, 2 रुपये पर यूनिट, पर जो 40-30-30 का अनुपात है उसमें परिवर्तन हो गया और 30-30-40 का अनुपात हो गया, तो जो 40% प्रोडक्शन जिस प्रोडक्ट का हो रहा है उसके ऊपर हम 1 रुपये के बजाय
2 रुपए पर यूनिट चार्ज हो रहा है, तो कहने का तात्पर्य है कि इस कारण से भी अत्यावशोषण या न्यूनावशोषण हो सकता है। अब अधिक राशि चार्ज हो जाती है ऊपरी बेगी या कम राशि चार्ज हो जाती है तो हम इसका लेखा किस प्रकार करेंगे कि अगर कम राशि है अल्प राशि है तो हम इसको पोस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में लागत लाभ हानि खाते में अंतरित कर देंगे, यानी कि अत्यावशोषण होने पर हम इसको पी एंड एल अकाउंट में लाभ हानि खाते में क्रेडिट कर देंगे और न्यूनावशोषण होने पर हम इसको डेबिट कर देंगे। यदि पर्याप्त या अधिक राशि है यानी कि अल्प राशि से थोड़ी ज्यादा है जिसको हम पर्याप्त या अधिक राशि मान करके चलते हैं, तो यदि ऐसा असामान्य कारण से हुआ है कि अचानक आकस्मिक रूप से मशीन टूट गई तो उसके कारण से जो राशि कम ज्यादा लगी है कि हमें इमरजेंसी में किसी नई मशीन की व्यवस्था करनी पड़ी या वो अधिक किराए से लेनी पड़ी या अधिक लागत की खरीदनी पड़ी, उसके ऊपर स्थायी भी अधिक हो गए, तो उस स्थिति में उस राशि को हम पोस्टिंग पी एन एल अकाउंट में अंतरित कर देते हैं। असामान्य कारण की राशि को हम अगर ऐसे उपस्थित हुए तो इसको सीधे पोस्टिंग पी एन एल अकाउंट में ले जाते हैं, और यदि सामान्य कारण से हुआ है कि हमने केवल अनुभाजन या वितरण की नीति में परिवर्तन किया उस कारण से ऐसा हो गया अचानक, तो उससे हम क्या है कि उत्पादन लागत को या विक्रय लागत को संशोधित कर देते हैं। तो ये थे कारण अत्यावशोषण या न्यूनावशोषण के। धन्यवाद।